आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम मथुरा एंड सोहालिया गोट फार्म, जहां अकमल और इकबाल की जोड़ी से जानेंगे एक कामयाब फार्म हम कैसे चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अकमल भाई, इकबाल भाई, आपका फिर से स्वागत है हमारे रवि जोन फार्मिंग लीडर में। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर गोट फार्म में सफल होना है जी, तो किसान भाई किस तरीके से सफल हों, और आज आप बताएंगे उन्हें कि वो क्या राज है कि जो किसान हमारा जो है उसे इस्तेमाल करके, आपकी दी हुई जानकारी को यूज करके सफल हो। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन पहले मैं आप सब लोगों को नमस्कार, आदाबर, सत श्री अकाल बोलना चाहूँगा, और आपका त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये कारोबार इतना अच्छा कारोबार है अगर फोकस के साथ और जानकारी के साथ किया जाए जी। तो आज के दौर में जैसे थोड़ा सा कुछ बेरोजगारी मामला बढ़ा है, आप गोट फार्मिंग करके बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं और अपने परिवार को आसानी के साथ पाल सकते हैं। आपने सवाल बहुत शानदार किया है कि गोट फार्मिंग में सक्सेस होने के टिप्स क्या हैं। देखिए, गोट फार्मिंग में सबसे दो तीन चीज़ें मैं आपको मेन चीज़ें बताने जा रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से और किसान भाइयों के लिए समर्पित है ये। सबसे पहली बात तो ये है कि डीवार्मिंग मस्ट बी नेसेसरी। डीवार्मिंग का मतलब ये हो गया त्यागी जी के पेट के कीड़े मारने वाली दवा, वो कायदे में दूसरे महीने लग जानी चाहिए, नहीं हर तीन महीने में एक बार तो देना ही चाहिए। और डीवार्मर जो होते हैं, जैसे निलजान है, एल्बेंडाजोल है, फेलबेंडाजोल है, आईटेन किड है, हाईटेक है, ये हमें चेंज करके देना है। इस बार अगर मान लीजिए हमने एल्बेंडाजोल लगा दिया, अगले तीन महीने बाद हम दूसरा डीवार्मर देंगे तो उनके लिए रिजल्ट अच्छा रहता है जी। पेट में कीड़े नहीं रहेंगे, जब पेट में कीड़े नहीं रहेंगे तो हमारा जानवर जो भी कुछ खाएगा वो उसको स्वस्थ रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा, बीमारी से बचा के रखेगा। दूसरी चीज़, हमारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने, चाहे वो देश के हों चाहे देश के बाहर के हों, उन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छी रिसर्च की है, वो हमें पकी पकाई खीर मिल रही है, हमें तो खानी है जी। तो उतना भी नहीं कर सकते हम लोग क्या, तो हमें वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है। आज इंसानी बच्चा पैदा होता है, अस्पताल में पैदा होने के बाद त्यागी जी डॉक्टर सबसे पहले BCG का टीका लगा देता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ BCG? माँ के पेट से बच्चा निकल के इस वायुमंडल में आया है, तो TB का टीका बोलते हैं, इसलिए कि वो उस क्लाइमेट को सूट करेगा कि नहीं करेगा। और 12-15 साल तक बच्चा होता है, इंसानी बच्चा, जब तक उसको टीका लगता है, वैक्सीन होती है। लेकिन हमारे इन जानवरों के लिए गिनती की 5 वैक्सीन है, और वो भी आपको साल में एक बार लगानी है, लगातार लगानी है जी। मिसाल के तौर पर टाइम के हिसाब से लगती है, अब आज का टाइम जो चल रहा है, आपका PPR की बीमारी चल रही है, तो आपने स्टार्टिंग में PPR लगा दिया, लेकिन कोई भी वैक्सीन करने से पहले 24 घंटे पहले डीवार्मिंग जानवर की करना ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए। आज आपने PPR डीवार्मिंग कर दी, अगले दिन आप उसका वैक्सीनेशन करेंगे तो PPR 1 ml लगाएंगे, सबकट लगती है। सबकट का मतलब होता है त्यागी जी खाल और मांस के बीच में। उसके बाद 21 दिन का अंतर लेके हम चलते हैं, 21 का आप 20 भी रख सकते हैं, 22 भी रख सकते हैं, दूसरी वैक्सीन आप लगा दीजिए ET, और उसके भी इसी अंतर के बाद 21 दिन के अंतर के बाद आप ट्रायोवेक या बायोवेक लगा दें, जिसमें कि आपकी HS और FMD, यानी कि खुरपका, मुँहपका और HS जो लंग्स की बीमारी के लिए होती है वैक्सीन, वो आ जाती है। उसके बाद चादर तान के सोइए, कोई महामारी नहीं आएगी। अब जुकाम, बुखार और लूज मोशन, ये एक नॉर्मली चीज़ है, मौसम के हिसाब से होता रहता है, कुछ हमारी कमियों से होता है, उसको बचाने के लिए तरीके हैं, प्रिकॉशन है, वो मैं आपको बता दूंगा। और मैं तो सही सलाह ये दूंगा कि अगर इस काम को अगर कोई भी किसान भाई या कोई भी गोट फार्मिंग करना चाहता है तो सबसे पहले वो ट्रेनिंग ले, ज़रूरी नहीं है वो हमसे लें, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन बगैर नॉलेज के इस काम को ना करें। मैं सबको यही बार बार बोलता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से भी त्यागी जी मैं यही कहना चाहूँगा, जोर दे के कहना चाहूँगा कि 3 दिन की ट्रेनिंग कम से कम आप लीजिए। 3 दिन की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं जी, और उसमें गवर्नमेंट से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो आगे आपके चल के
लोन में, सब्सिडी में, क्योंकि सरकार इसमें सब्सिडी बहुत देती है जी, और जानवरों का बीमा होने पर भी आपका वो मदद करेगा। तो इकबाल भाई आपसे ये मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई किसान भाई, कोई बेरोजगार भाई अगर बकरी फार्म करना चाहे तो वो कितने बकरियों से स्टार्ट करे और कैसे कैसे वो जो है उन्हें मेंटेन करे? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि किसी के पास कम पूंजी है तो वो पूंजी के हिसाब से स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि 20 बकरी कम से कम होनी चाहिए जी, 20 फीमेल एक मेल, और जिसके पास पूंजी अच्छी है तो 50 से भी कर सकता है, 100 से भी कर सकता है। जितनी आप ब्रीड से स्टार्ट करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। बिल्कुल, अगर आप 20 से स्टार्ट करोगे तो 20 के हिसाब से बेनिफिट होगा, 50 के हिसाब से करोगे तो 50 के हिसाब से बेनिफिट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि आपकी पूंजी के ऊपर, वो आपके किसान भाई हैं, बजट के हिसाब से, उनके बजट के ऊपर है। अब मैं कह दूं कि इतने से करना है तो वो कहना बेकार है, क्योंकि बजट भी सामने वाले की चीज है। और कई बार क्या होता है इकबाल भाई के बजट ना होते हुए भी अगर हमें कुछ एफर्ट लगाने हैं, हमें कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ ताकत तो ज्यादा ही लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, भाई हमारी कम ताकत है लेकिन दांत भींच के जोर लगाना पड़ेगा तभी कुछ आगे जो है धक्का लगेगा। देखो तो उसमें ये होता है कि अगर उसे हम करते हैं तो हम थोड़ा जल्दी सक्सेस हो जाए। हाँ, तो कम से कम 50 तो बकरी होनी चाहिए, 50 या 100 बकरी कम से कम लेनी चाहिए, क्योंकि 50 बकरी आप लोगे तो फिर उसी हिसाब से आपका कमाई प्रॉफिट होगी। हाँ, वो राउंडिंग में आपको इनकम होना शुरू हो जाएगी। अब 20 लोगे 20 के हिसाब से प्रॉफिट होगी, और अगर 50 लोगे 100 लोगे तो 50 के हिसाब से ही प्रॉफिट होगी। तो इकबाल भाई दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा कि कौन सी ब्रीड से आदमी जल्दी से जल्दी कामयाब हो सकता है? देखिए मैं ये जानता हूँ कि यहाँ आपको 8 महीने की गर्मी हो जी और पानी ना हो नीचे धरती के अंदर, तो सबसे बढ़िया ब्रीड है देखिए सरोई बरबरी। अच्छा, सरोई बरबरी एक ऐसी ब्रीड है, एक 3200 ब्रीड भी आती है कि लोग बाबों के अभी जहन में नहीं है, वो ब्रीड एक अलग हट गया है और अभी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है। वो ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड है और 2 बच्चे ही देती है वो ज़्यादातर, तो वो ब्रीड भी अच्छी है। पर जो हमारे इस टाइम पे चल रही है सरोई बरबरी अच्छी ब्रीड है, क्योंकि सरोई बरबरी एक ऐसी ब्रीड है जो वजन में अच्छी रहती है। अच्छा, और बरबरी जो है बच्चे देने में ज़्यादा क्षमता है उसकी, सरोई की सुंदरता ज़्यादा है उनकी। हाँ, और सरोई की क्षमता है वजन में, और जो खस्सी तैयार होते हैं वो सरोई के गुजरी के अच्छे तैयार होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि भाईजान अगर हम अपना फार्म खोल रहे हैं जी, या हम उसे कर रहे हैं, तो इसमें जो एक तो होता है कि हम बंद करके फार्म में रखते हैं बकरियों को और अपने आप से फीडिंग कराते हैं, एक दूसरा तरीका है कि हम जो है उन्हें जो ग्रेजिंग कराते हैं जी, तो इन दोनों में कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? देखो तरीका सबसे बेहतर तरीका तो देखो पुराना होता है वो किसानों की है, क्योंकि उसमें अगर आप जंगल चरा रहे हो तो उसमें खर्चा आपको 1 रुपये का भी नहीं है। अच्छा। और अगर आप फीडिंग में चरा रहे हो घर रख के नहीं, तो उसमें आपको दाना मोल का खिलाना पड़ेगा, और जंगल में आज आप जानते हो कि किसी को गुंजाइश नहीं रही और किसी के जंगल नहीं रहे हैं, खेत खाली भी नहीं है, तो लोग बाग अगर किसी के खेत में ले जाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा तो होगा। तो इसलिए आप रख के चरा सकते हो और ज़्यादा खर्चा नहीं है, 10 से 15 रुपये खर्चा आता है। और उसका आसान तरीका है कि जैसे कि आपने अपना छोटा सा खेत है या कैसा भी खेत है, उसमें थोड़ी घास उगा ली, मखमली घास आती है, रिचका आता है, अगर ये आपने कर लिया खेत के अंदर तो बहुत बेहतर रहेगा और बढ़िया वो है। और अगर जैसे सीजन है, अब हमारा सर्दी का सीज़न है, तो दाना जौ और गेहूँ होते हैं तो जौ उगा लीजिए अपने खेत में और बढ़िया रहेगा। अब अगला क्वेश्चन इकबाल भाई आपसे है कि जब हम अपने फार्म के लिए बकरी खरीदें तो उस टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कारण ऐसा हो रहा है कि मैं कहना नहीं चाहता कि बड़ी अजीब तरीके की धोखाधड़ी, जिन्हें सुन के भी हंसी आती है कि वह किस तरीके से क्या कलाकारी की और मैंने जो मार दिया अगले वाले। देखिए पहला नंबर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग बाग क्या करते हैं कि किसी बंदे से अगर रेट की मालूम करा जी, अच्छी चीज़ आपको मालूम है कि इस टाइम पे आप अगर मार्केट के अंदर जाएंगे लोकल किसी भी अगर जो मीट खाने वाला है, तो मीट का रेट आज के टाइम पे 600 रुपये 500 रुपये से कम नहीं है। बिल्कुल, तो जब आपको जब कट्टी वाला मीट 600 रुपये मिल रहा है तो फार्म वाली बकरी आपको 220 में या 250 में वो कैसे दे देगा। ये बिल्कुल पॉइंट वाली बात है जी। और फिर कहते हैं कि हमारे संग में धोखा हुआ या कोई हमारा नुकसान हो गया, तो वो सीधी सी बात है, कोई आदमी 280 में खरीद के वो आपको 250 में कैसे देगा, फिर वो क्या करेगा, उसमें बेईमानी करेगा। हाँ, कुछ ऐसी तिकड़म बढ़ाएगा जरूरी है, क्योंकि वो घाटे से कोई भी नहीं बेचेगा। अगर आप भी होंगे उसी जगह तो आप भी घाटे से किसी को अपना सामान नहीं बेचोगे, तो आप क्या करोगे उसमें, या तो कांटे में डंडी में मारोगे
या कुछ भी कर सकते हो, मतलब जैसे पानी पिला दिया, पानी पिला दिया गुड़का या वो कर दिया, तो वो जरूरी है क्योंकि घाटी से आदमी को ही नहीं देगा। तो ये सामने वाले को समझना चाहिए भाई, सामने किसी को दोष देने के अलावा फिर अपने आगे भी तो देखना चाहिए कि हमको जो चीज कट्टी का मीट 6 से मिल रहा है तो वो फार्म का बकरी हमको कैसे दे देगा मध्य में, मतलब कट्टी के बकरी से भी कम कैसे दे देगा वो हमको। तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ झोल है, झोल है। तो सामने वाले को सोचना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बचपन में कभी हमने आपने सबने पढ़ा है कि लालच बुरी बला होती है, लालच से बचिए। तो इकबाल भाई फिर आप ही बताइए कि फिर माल किस हिसाब से लिया जाए इन सब चीजों से बचने के लिए। मैं जानता हूँ कि जैसे कि आपने किसी को ऑर्डर दिया तो कभी भी किसी पे भी कोई भरोसा मत करिए, या मैं भी हूँ, मैं भी सप्लायर हूँ तो मेरे पे भी भरोसा मत करो आप। आप एक दिन पहले वहाँ जाइए उस फार्मर के यहाँ और अपने सामने की ईटी का वैक्सीन आती है, क्योंकि ईटी की वैक्सीन ऐसी है कि इसको अगर आप वहीं से जगह से लगवा के ले जाओगे तो जानवर को नुकसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये पीपीआर वगैरह जो भी बीमारी है पेट से बनती है, बिल्कुल। और ये पेट से बनती है कि जगह का चारा पानी चेंज होता है, तो एक ईटी की वैक्सीन ऐसी है वो हम लगा के देते हैं। तो फार्मर जो है जो भी माल ले रहा है सामने वाले से, तो पहले एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाए, तो अपने सामने 24 घंटे पहले ईटी की वैक्सीन लगवाए, उसके बाद में लोड करवाए माल को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि माल के अंदर ये देखें कि इसके अंदर कोई बीमारी ना हो, और माल हमारा कैसा है, वो नस्ल की हमने कहा वो नस्ल है या नहीं, और ये लोग हमारे संग कोई झोल झाल तो नहीं कर रहे। तो आप एक दिन पहले जाइए फार्मर के यहाँ, जिससे भी आप माल ले रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही लो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जहाँ से भी आप माल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ का ध्यान रखो आप, और सफ़र कराते समय आप जैसे कि आपने एक दिन पहले वो लगवा लिया 24 घंटे पहले ईटी की वैक्सीन, तो उसके जिस दिन आप लोड करा रहे हो एक घंटे पहले दो वैक्सीन आती हैं, एविल मेलोलैक्स। अच्छा। ये अगर लगवा के आप सफ़र कराओगे और वहाँ पहुँचने के बाद ये इंजेक्शन लगाओगे दोनों, तो इंशाल्लाह आपके जानवर को कुछ नहीं होगा। ये ज़रूरी है फार्मर को ले जाने से पहले, क्योंकि शरीर में आप जानते हो, देखो अगर आप भी सफ़र करोगे या हम भी सफ़र करेंगे, हाँ, वो थकान वो इस तरीके की हो जाती है। और ये और जो खाने पीने का फ़र्क आता है वो चार ही साल, मौसम क्लाइमेट पानी सारा कुछ चेंज होता है। तो ये ईटी की वैक्सीन ऐसी है कि वो पेट की बीमारी है वो ख़त्म करती है, बिल्कुल। अकबर भाई अगला सवाल जो है आपसे होगा जी जी, कि गोट फार्मिंग करने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है कि नहीं है? ट्रेनिंग इतना ज़रूरी है जैसे कि हमें खाना बनाया जाता है ना, तो खाने में पानी डलता है ना, नहीं तो खाना बन नहीं पाएगा त्यागी जी, बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग करना, अगर आपको सफल गोट फार्मर बनना है तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और ट्रेनिंग हमारे देश में बहुत जगह दी जा रही है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं सब किसान भाइयों से, सब गोट फार्मर से कह रहा हूँ, और वैसे हम लोग भी देते हैं, और 3 दिन की ट्रेनिंग है, मैं जैसा बता भी चुका हूँ। उस ट्रेनिंग में हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से सिखाते हैं। जनरली क्या है कि ट्रेनिंग बहुत लोग दे रहे हैं त्यागी जी, लेकिन वो लोग सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जी। इस पर मेरी नज़र में गोट फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है, कुछ लोग तो ऑनलाइन दे रहे हैं, हाँ। मैंने देखा है एक आध लोगों को, मतलब ऑनलाइन, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उस चीज़ को कि ऑनलाइन ट्रेनिंग इसकी हो ही नहीं सकती है। नहीं, अभी मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात बताऊँ, अभी अभी जो है बहुत जल्दी में एक जोक आया जी के मैडम, हाँ मैं जो है वो ऑनलाइन आपका बर्तन पोछा कर देगी, आप जो है ऑनलाइन मेरे को पैसे भेज देंगे। बोले ऑनलाइन बर्तन पोछा कैसे हो जाएंगे, नौकरानी से बोला। उनने कहा मैं वीडियो कॉल करेगी साहब और आप करते रहना, हम बताते रहेंगे। तो ये तो ट्रेनिंग ऐसी होगी ऑनलाइन, तो जी जी जो है जैसे बर्तन पोछा ऑनलाइन हो जाएंगे ऐसी ट्रेनिंग होगी। मैं वैसे तो बिजी रहता लेकिन मैंने कभी कभी टाइम मिलता तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, तो मुझे इतनी जोर से हंसी आई त्यागी जी कि ये बंदा ऑनलाइन ट्रेनिंग किस तरीके से दे रहे हैं। कि आप एक बात बताइए, इंजेक्शन लगाना कैसे सिखाएंगे ऑनलाइन में, ओरल मेडिसिन देना कैसे सिखाएंगे आप, वैक्सीनेशन करना कैसे सिखाएंगे आप, नाखून काटना कैसे सिखाएंगे आप, बाल काटना कैसे सिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 70% प्रैक्टिकल है इस ज्ञान में है। किताबी पढ़ाई तो कहीं से भी यूट्यूब से, कहीं से भी इंटरनेट से निकाल लीजिए आप, बिल्कुल। लेकिन इसमें मेन चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल है, अगर जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है वो इस काम में कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा। और बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं लोग जिनके पास इसका प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत अच्छा है। सफाई करना या झाड़ू लगाना या गंदगी साफ करना ऑनलाइन कैसे समझा जाएगा? आपको त्यागी जी मैं एक बात और कह रहा हूँ, मैं मेरी माफ़ी चाहूँगा वैसे उन ट्रेनिंग सेंटरों से, किसी का बुरा मत करिए। बहुत से ट्रेनिंग सेंटर वाले ऐसे हैं कि उनको उनके पास अपने फार्म नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उनको प्रैक्टिकली नॉलेज दो। दूसरी चीज़, उनको खुद ब्रीड्स के बारे में मालूम नहीं है कि ये कौन सी नस्ल है।
बिल्कुल मेरे फार्म पर कुछ ट्रेनिंग देने वाले शुरू शुरू में लाए थे, मैं जब ट्रेनिंग नहीं देता था तो मुझे ताज्जुब हुआ, वो उनसे क्वेश्चन कर दिया उनके स्टूडेंट ने कि सर ये कौन सी ब्रीड है, तो एक आध तो नॉर्मली बरबरी सरबरी तो हर कोई बता देता है, उन्होंने ही बता दी। अब जो मेरे पास थे 6-7 तरह की नस्ल थी उस वक्त, मेरे मथुरा वाले फार्म की बात है, तो जब उन्होंने दूसरी तीसरी नस्ल बोली तब गड़बड़ा गए, जल्दी से मेरे पास आए खांसते हुए, उनको भाना मार के फंदा लग गया है। मुझसे पूछा कि सर ये बताइए ये ब्रीड कौन सी, ये ब्रीड कौन सी, मुझे बड़ी जोर से हंसी आई कि जब खुद को ज्ञान नहीं है यार तुम क्या ज्ञान दोगे दूसरे को, तो कम से कम अपने को इतना मजबूत करो कि हम सामने वाले को सही ज्ञान दें, धोखाधड़ी नहीं करें। आपके मैं एक बात काट के बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, जो क्वेश्चन अभी इकबाल भाई से आपने किया था और रेट वाली बात आई थी, हकीकत में यही हो रहा है, 80% लोग सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं ये रेट इतना दे रहा है, अकमल भाई या इकबाल भाई इतना दे रहे हैं या फलाना इतना दे रहा है, हम सस्ते वाले से लेंगे और सस्ता वाला माल कट्टू के रेट से भी वो लोग डाल देते हैं, और क्या हो रहा है ये सबको मालूम है, भुगत चुके हैं, फार्म बहुत फेल हो रहे हैं। बड़े दुख की बात है, मैं सबसे निवेदन करूंगा गोट फार्मर से, भाई लोगों किसी का नुकसान मत करो, वो बेचारा किस तरीके से पैसे का इंतजाम करके लाया है और आप उसको पानी पिला रहे हैं, गुड़ का पानी पिला रहे हैं या ओवर डाइट दे दे रहे हैं अपने वजन बढ़ाने के लिए, उससे क्या होता है कि वो बेचारा तो नया तो गोट फार्मर होता है, चलो पुराना हो तो उन जानवरों को संभाल लें, वो घर पहुंचते पहुंचते महीने भर के अंदर नहीं बढ़ जाते हैं, वो इससे ज्यादा उनकी जिंदगी नहीं बचती है क्योंकि वो बीमारियों में घिस जाते हैं। बहुत सारी इसमें धांधलियां हैं, थोड़ा सा उस लोगों उस चीज को आप लोग थोड़ा समझिए, और मैं यही चाहता हूँ, मैं तो देखिए पहले भी गरीब था, जब भी वैसे ही था और आज भी बहुत सिंपल हूँ, और हमेशा ये सादगी मेरी रहेगी और ईमानदारी को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, किसी का बुरा तो नहीं कर सकता, भला करने की ही कोशिश की है त्यागी जी, और वो करता रहूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा ज्ञान दो भाई उन लोगों को जो लोग आपके पास किसी उम्मीद से आए, और अच्छा माल दो जो लोग आपके पास ये उम्मीद से आए कि मुझे अच्छा माल मिलेगा। अब आप हमारी ब्रीड दिखा दीजिए कैसी है, माल टॉप क्लास का माल है सर, और ये जिस पार्टी को हमने दिया था शुरू में उन्होंने 100 नग लिए थे, उससे पहले उन्होंने किसी से लिया था, उन्होंने धोखाधड़ी करी, रेटों में डिफरेंस 50 रुपये का डिफरेंस, मुझसे 50 महंगा ले रहे हैं, 300 रुपये किलो जा रही है जी, सिर्फ क्वालिटी के ऊपर, यहाँ बेमानी नहीं है तोल बोल में या उल्टा से दखलाने की। अब तिवारी जी उन्होंने 300 का ऑर्डर दिया, ये उनकी ही बकरियाँ इधर भी हैं और उधर भी हैं, 300 बकरी उन्हीं उसी पार्टी की जा रही हैं जी। तो बात होती है कि चीज़ बिकती है, आप जूता पहन के आए, आपका जूता 2500 का तो 2500 का ही रहेगा, अब इसकी नकल कोई करके बना के रख दे 200 वाला तो 200 वाला ही रहेगा, वो चलेगा थोड़ी। इकबाल भाई जैसा कि अभी अकमल भाई ने कहा कि ये सब कुछ मतलब झोल है, तो ये झोल से बचने के लिए किसान भाई क्या करें, ऐसा कुछ हो? सबसे बड़ा झोल मुझे हंसी आती है कि जो किसान कहता है कि मैं फेल हो गया, मैं बर्बाद हो गया और मेरा नुकसान हो गया, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप लालच क्यों कर रहे हो, और ऐसे लोगों से बचिए कि बहुत से ऐसे ट्रेनिंग सेंटर भी हैं कि दलाली पर उतर जाएँ, बिल्कुल साफ दलाली पर उतर जाएँ, कि वो किसी फार्मर से मिल के नहीं कि भाई मुझे 1000 रुपये बकरी दे दियो या 500 रुपये बकरी दे दियो, इस तरीके से बेचारे किसान भाइयों के संग कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब एक बात बताइए कि 1000 रुपये बकरी उसमें कमीशन की चली जाएगी, तो फिर उसको भी चाहिए जो बेचने वाला है भाई, जब दो जगह कमीशन बट गया तो फिर फार्मर को वो देगा क्या, तो हर चीज़ से बचिए, क्वालिटी खराब होगी कुछ ना कुछ, और फिर मद्दी भी रेट दे रहा है आपको, तो फिर आपको देगा क्या, हो तो आपको क्या देगा, वो कूड़ा देगा। तो भाई लालच से बचिए, आप बचपन में भी आपने जब पढ़ाई स्टार्ट की, आप इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, और ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने 2 क्लास या 3 क्लास तक ना पढ़ा हो, हर आदमी 2-3 क्लास तक तो पढ़ता ही है, फिर उसके बाद में चावल ही स्कूल छोड़ना पड़ जाए। तो बचपन में भी सिखाया जाता है कि लालच बुरी बला, एक किताब आती है उसमें लालच बुरी बला, तो लालच से बचिए, और उन जैसे जो ट्रेनिंग सेंटर है बहुत से जो दलाली कर रहे हैं, इनका खुद का फार्म नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका, उनसे बचिए आप। मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों से बचिए, आप अपने दिलो दिमाग से सोच के माल खरीदिए, किसी और की राय मत लीजिए, अगर किसी और की राय लोगे तो आप नुकसान में जाओगे, आप अपने खुद मन से देख के नहीं कि ये बंदा सही है या नहीं है या गलत है, तो उससे माल लो, किसी और की बात नहीं मानो तो अच्छा रहो, रेटों पर मत जाइए मतलब। तो अकमल भाई जैसा कि इकबाल भाई ने बताया है, ये सही कहा है या गलत? 101% सही कहा था जी। दूसरा एक चीज और है, अभी वीडियो बड़ी होती जा रही है लेकिन तुम दोनों भाइयों से बात करने की ललक मेरी भी और बढ़ती जा रही है। शुक्रिया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के बाद में अगर कोई आदमी, चलो ठीक है यार फार्म खुला ना खुला, लिया ना लिया, क्या हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक अलग तरह से कि कोई नाइस पर्सन है, उससे बातचीत करने के लिए, दोस्ती करने के लिए मन करता है, तो वो आपसे कहाँ करे कॉन्टैक्ट, या आपका व्हाट्सअप नंबर हो, या बहुत से लोग हैं दोस्ती करना चाहें
तो आप अकमल भाई एक बार जो है अपना नंबर बताएं। ये नहीं कि फार्म, ये तो बहुत दुनियादारी है, प्यार मोहब्बत इंसानियत की दोस्ती वही करना चाहे तो। त्यागी जी आपके आशीर्वाद से लाखों लोग जुड़े हुए हैं उस नाचीज से जी, और वो इस चीज़ के गवाह हैं कि कभी किसी का फ़ोन आया है मैंने बराबर उठाया है। इसी वजह से 300-400 कॉल आती है मेरे पास डेली आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह, और करीब करीब इससे ऊपर व्हाट्सएप रहते होंगे, लेकिन मैं मेरी कोशिश रहती है कि सबका जवाब मैं दे पाता हूँ, और रात के भले ही 2 बज जाएँ व्हाट्सएप का जवाब तो मैं घर पहुँचने के बाद 8 बजे से शुरू करता हूँ, 1:30-2 बज जाते हैं जी, और कॉल जिसकी रिसीव नहीं हो पाई तो मैं अपनी तरफ से मिला करके बात करता हूँ। बाकी मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, जिस भी लायक हूँ आपकी सेवा, आपकी हेल्प, आपका आपको तआवुन करता रहूँगा। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9808054786, 980-80-54-786, इस नंबर पर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो इसी के साथ अकमल भाई, इकबाल भाई, तुम दोनों की जोड़ी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे कैमरामैन उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, और हमारी पूरी टीम और आपकी पूरी टीम, जो आप और हम मिल करके इस आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों तक एक अच्छी जानकारी पहुंचाने में कोशिश कर रहे हैं जी, ताकि लोग अच्छे से गोट फार्मिंग कर सकें और एक अच्छे पैसे कमा सकें और बेरोजगारी दूर हो, हमारी यही कामना है। तो किसान साथियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से दोनों भाईजान से एक सफल गोट फार्म चलाने के गुर सीखे। अगर उनकी दी हुई ये जानकारी और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, और कैमरे के पीछे हैं रमन त्यागी।